Assalamualaikum everyone, this is Dr. Sahar Chawla, right at your service. Gut strong to mess strong. आपकी कोई भी जो बीमारी है वो आपकी एनर्जी लेवल्स और आपके हाजमे का सिस्टम कैसा चल रहा है उससे आपको अर्ली इंडिकेशंस देना शुरू कर देती है, लेकिन हम उन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं। आज हम बात कर रहे हैं उन लोगों के बारे में जिनको दाल और सब्जियों से खासकर प्रॉब्लम होती है। हाँ, ये बात सच है कि 6-7 बजे के बाद आपके हाजमे का सिस्टम स्लो हो जाता है, आपका BMR, आपका कैलोरी बर्निंग प्रोसेस भी स्लो हो जाता है, और अगर उसके बाद आप हाई फाइबर फूड लेंगे आपको गैस होगी, ब्लोटिंग होगी, जाहिर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा और आपको डिस्कम्फर्ट होगी। और क्योंकि एज के साथ साथ आपके स्टमक का एसिड भी कम सिक्रीट होना शुरू हो जाता है तो डाइजेस्टिव प्रोसेस और ज़्यादा अफेक्ट होता है, गुड बैक्टीरिया और कम होना शुरू हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम बहुत नोटिसेबल है और बहुत ज़्यादा है कि आप दाल और सब्ज़ी खाते हैं तो मुसीबत में आ जाते हैं, शदीद गैस, शदीद ब्लोटिंग होती है या शदीद कब्ज़ और कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, तो इसका क्या मतलब है, इसी पर हम आज बात करने वाले हैं। बात की बेसिस से शुरू करूँगी कि आपकी एक छोटी आंत होती है, एक बड़ी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का ज़्यादा काम होता है हाजमा करना, डाइजेशन करना, और लार्ज इंटेस्टाइन का ज़्यादा काम होता है खाने की फर्मेंटेशन करना। यानी जिस तरह जो मैं बात करती हूँ कि आपकी 70% इम्यूनिटी आपके गट से आती है, आपके गुड बैक्टीरिया से आती है जब वो खाने को फर्मेंट करता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया ज़्यादा प्रेजेंट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव एंजाइम ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले, फैट को डाइजेस्ट करने वाले। अब आपके पास वो लोग जिनका बैड बैक्टीरिया वक्त के साथ साथ उनकी आदतों की वजह से, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, प्रोसेस्ड और जंक फूड खाने की वजह से शिफ्ट होना शुरू हो जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन में आना शुरू हो जाता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया की ओवरग्रोथ हो जाती है, जिसको आप कहते हैं SIBO, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। अब क्योंकि अल्लाह ताला ने स्मॉल इंटेस्टाइन का काम ज़्यादा ये बनाया हुआ था कि उसने हाजमा ज़्यादा करना है और बैक्टीरिया को लार्ज इंटेस्टाइन में होना चाहिए, तो अल्लाह ताला के बनाए हुए निज़ाम में जब भी शिफ्ट होगी तो पूरे मैकेनिज्म में शिफ्ट होगी। तो आपके पास अब क्या होता है कि जो फर्मेंटेशन का काम है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में शुरू हो जाता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन फर्मेंटेशन के लिए नहीं बनी थी। अब फर्मेंटेशन आपके पास किस चीज़ की होती है, प्रीबायोटिक की होती है। प्रीबायोटिक आपके पास क्या होता है, फाइबर होता है, जो कि आपके पास होल फ्रूट्स में मौजूद है, होल वेजिटेबल्स में मौजूद है, आपके पास दालों में मौजूद है, जो कि एक्चुअली आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। प्रॉब्लम दालों और सब्जियों में नहीं है, वो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छी है, प्रॉब्लम आपके सिस्टम में आई है, प्रॉब्लम आपकी छोटी आंत में आई है, वहाँ पे बैक्टीरिया ज़्यादा हुआ है, इसलिए वही दाल और सब्ज़ी जो कि एक्चुअली आपके लिए शफा और हेल्थ का काम करनी चाहिए वो आपको प्रॉब्लम कर रही है। अब आप दाल भी लेंगे, अब आप सब्ज़ी भी लेंगे, आपको शदीद गैस और ब्लोटिंग होगी, क्योंकि उसने जिस स्टेशन पे जाना था फर्मेंटेशन के लिए वो उससे पहले फर्मेंट हो रही है, अब वहाँ पे हाजमा कम होना शुरू हो जाएगा, फर्मेंटेशन ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। और ऐसे लोगों को स्पेशली हालांकि अगर कॉन्स्टिपेशन और कब्ज़ हो तो आप दाल और सब्ज़ियाँ खाती हैं ताकि आपकी कब्ज़ खुले, ऐसे लोगों की स्पेसिफिक निशानी है कि इनको दाल और सब्ज़ी खा के कब्ज़ हो जाती है और पेट बहुत ज़्यादा फूल जाता है क्योंकि बैक्टीरिया वाली जगह पर। अब इसका इलाज क्या है, नॉर्मली जिन लोगों का हमने गुड बैक्टीरिया ओवरग्रो ना होते हैं उनको हम प्रोबायोटिक्स देते हैं, यहाँ पे वो भी नहीं काम आता, यहाँ पे जब हम प्रोबायोटिक्स देते हैं इनकी कब्ज़ और ज़्यादा हो जाती है, बल्कि मैं तो उसको बड़ा डायग्नोस्टिक टेस्ट समझती हूँ आपकी SIBO का, कि अगर किसी को प्रोबायोटिक देके कब्ज़ हो जाए समझ जाएं कि उसके स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया की ओवरग्रोथ ज़्यादा है। अब ऐसे लोगों को हम 5 से 6 महीने के लिए कार्निवोरस डाइट पे डाल देते हैं, यानी उनका फाइबर हम खींच लेते हैं, उनको हम अंडे पे, चिकन पे, फिश पे, और अगर वो डायबिटिक नहीं है स्मॉल पोर्शंस ऑफ राइस पे, यखनियों पे, इन चीज़ों पे हम डाल देते हैं, फाइबर खींच देते हैं, क्योंकि गट हीलिंग में एटलीस्ट 90 डेज लगते हैं, इसे गट के किसी भी डिजीज़ में आपको 3 महीने तो कम से कम चलना होता है, तो 3 से 6 महीने उनको इस तरह रहना पड़ता है। होता क्या है कि जब फाइबर बॉडी में जाना कम होता है तो फाइबर सिर्फ गुड बैक्टीरिया की खुराक नहीं होता, फाइबर बैड बैक्टीरिया की भी खुराक होता है, बैड बैक्टीरिया की डेथ होना शुरू हो जाती है, बैड बैक्टीरिया मरना शुरू हो जाता है। जब हम इन लोगों को 3 से 6 महीने इस थेरेपी पर रखते हैं, बैड बैक्टीरिया बहुत कम हो गया होता है, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता फाइबर इनकी डाइट में इंट्रोड्यूस करते हैं, प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स इंट्रोड्यूस करते हैं, इनका गट हील होना हो गया होता है, और अब हम जब चीज़ें इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो फाइबर सिर्फ गुड बैक्टीरिया को फीड करेगा, क्योंकि हम साथ प्रोबायोटिक भी फीड करेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों की फाइबर दाल और सब्जियों की तरफ टॉलरेंस बढ़ना शुरू हो जाती है। ये वो डिजीज़ है SIBO, जिससे बहुत सारी पॉपुलेशन अफेक्टेड है और लोगों को नहीं पता, और नहीं पता कि इससे डील कैसे करना, और लोग समझते हैं कि ताहयात हम दाल और सब्जी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो हर चीज़ का सोल्यूशन मौजूद है, अल्लाह ताला ने इल्म खोजने वालों के लिए इनके खजाने रखे हुए हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। I'll see you all again with yet another informational video. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।